Hi everyone, this is Mayank Kothari and today in this video we are going to discuss in detail about the venture capital concept. What is the venture capital? Kya kya alag alag items hum uske andar mein dekhne wale hain, sari cheeze discuss karenge is video mein. Now I will discuss the first thing, what is mean by the venture capital. Venture capital mein log jaise ki aap bol sakte ho high net worth individuals hote hain jo ki जिनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ होता है एक्स्ट्रा में, सरप्लस में. वो हो सकते हैं, हो सकता है कोई बैंक्स हो सकता है कोई और इंस्टीट्यूशंस हो. ये लोग मिलके एक फंड तैयार करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं जहां पे ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्ट करते हैं यानी कि पैसा कलेक्ट करते हैं. सो बेसिकली दैट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड. ये फंड हो गया. किन लोगों का फंड? इन तीन लोगों का फंड. सो ये तीन लोग कौन हो सकते हैं? ये तीन लोग या तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो सकता है. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी कि जिसके पास बेसिकली बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है. या तो कोई बैंक हो सकती है, या तो कोई इंस्टीट्यूट हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या तो इन तीनों में से कुछ मिक्स. ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं फंड में किस पर्पस के लिए? ताकि मार्केट में जो नए नए बिजनेस शुरू होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, शुरू होते हैं, और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं जिनके पास में आइडिया होता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये फंड तैयार होता है. ये वेंचर कैपिटल नाम की चीज आई. अब होता क्या है, ये वेंचर कैपिटल फंड वाले मार्केट में पता लगाते हैं कि किस किस को पैसों की जरूरत है. या तो ये लोग पता लगाएंगे, या तो वो लोग जिनको पैसों की जरूरत है वो अपने पास में आएंगे वेंचर कैपिटल फंड के बारे में और बोलेंगे कि सर ये रहा मेरा आइडिया, मैंने अभी अभी सीए क्लियर किया, मैंने अभी अभी एमबीए क्लियर किया, इंजीनियरिंग क्लियर किया, मेरे पास धासु आइडिया है, मेहनत पूरी करूंगा, पैसे नहीं है सर इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो ऐसे टाइम पे वेंचर कैपिटलिस्ट हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को शुरू करने में, रिसर्च करने में, मार्केट करने में और ऑपरेशन में लाने में अच्छी तरीके से. सो बेसिकली ये ढूंढते हैं कि एक्चुअल में इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है जहां पे पैसा लगाया जा सकता है इनिशियली, और वहां पे पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद में वो अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज वेंचर कैपिटल. क्यों? उन लोगों को, ये जो लोग है क्या इन लोगों को बैंक से लोन नहीं मिलता? बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं अगर नया नया आया हूं मार्केट में बिजनेस करने के लिए तो मेरा कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है बैकएंड में जो मैं गारंटी दे सकूं बैंक को कि मैं आपका लोन चुका दूंगा. और बैंक्स बिना किसी गारंटी के, बिना किसी पास्ट रिकॉर्ड के ऐसे लोन देगी नहीं. तो मैंने क्या बिजनेस करना ही नहीं चाहिए? मेरे पास आइडिया है धासू सा, तो ऐसे टाइम पे मेरी मदद कौन करेगा? ऐसे टाइम पे मेरी मदद ये वेंचर कैपिटल फंड करेगा. So this is what the entire concept of venture capital fund is. Now history के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि venture capital का इंडिया में क्या रोल था. 1970s की बात है, 1970s की बात है, अपन यहां ड्रॉ कर लेते हैं. सेवेंटीज यानी कि अराउंड 77 या 78 मान लो. उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को तब रियलाइज हुआ कि जो इंडिया में स्टार्टअप्स नहीं आ पा रहे या बिजनेसेस इतने नहीं आ पा रहे या फेल हो रहे हैं, उसका मेजर रीजन है कि उनको प्रॉपरली फाइनेंसिंग नहीं मिल पा रही है ग्रो होने के लिए. तो तब रियलाइज हुआ था गवर्नमेंट को, और उसके तकरीबन 10 साल बाद प्रोसेस चलती रही क्या करना क्या नहीं करना, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है एंड ऑल दैट थिंग. उसके तकरीबन 10 साल बाद अराउंड 88 में तीन फंड्स आए,
आईडीएफसी, आईडीबीआई, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई। ये आईएफसीआई है या आईएफ ऐसा है मे बी, ये दो तो पक्का पता है मेरे को, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं है। सो 88 में ये तीन फंड आए थे, सिर्फ तीन फंड थे। चलो ठीक है, मार्केट में इन लोगों से थोड़ा सा पैसा मिल रहा था, लेकिन स्टिल रेगुलेशंस इतने टफ थे कि वेंचर कैपिटल फंड्स नहीं क्रिएट हो रहे थे, ना ही पैसा इतना आसानी से मिल पा रहा था। तो अराउंड 91 में लिबरलाइजेशन जब हुआ, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन जब हुआ इंडिया में, तो सीसीआई करके सॉरी क्या बोलते हैं, कंट्रोलर और कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज ऐसा कुछ फॉर्म हुआ था 88 के आसपास में, जिसमें इसके रिगार्डिंग थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन थे और वो इतने टफ थे और एज सच वेंचर कैपिटल के बारे में ज्यादा कुछ गाइडलाइंस थी भी नहीं, तो काफी रिस्ट्रिक्टिव था पहले भी, भले ही आ गया था नाम के लिए आया था। 91 में गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया, सीसीआई को अबोलिश किया। ये वो सीसीआई नहीं है कंट्रोलर ऑफ कंपटीशन वाला, नहीं, ये है कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। तो 91 में ये एबोलिश हुआ, उसके बाद में थोड़ी सी प्रोसेस आसान हुई, काफी डोमेस्टिक फंड्स तैयार होने लगे, वेंचर कैपिटल फंड्स जो कि पैसा दे सके या अवेलेबल करवा सके नए एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल दैट लोगों को। उसी टाइम में 91 के आसपास, मान लो 95 के आसपास, फॉरेन फंड्स को 91 में थोड़ा लिबरलाइज हुआ, ठीक है, 95 में फॉरेन फंड्स को अलाउ किया गया कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। सो फॉरेनर्स को भी अलाउ किया गया, आप वेंचर कैपिटल फंड क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। बस दिक्कत क्या हो गई, 96 में कुछ रूल्स ऐसे आए जिससे एक तरह से ऐसा हो रहा था कि फॉरेनर्स को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है इनको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा था वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ऐसे लोगों को पैसा अवेलेबल करवाने के लिए। सो स्टिल द मार्केट वॉज नॉट गुड, रिस्ट्रिक्शंस थे। फिर 97 की बात की जाए तो आईटी सेक्टर काफी आगे बढ़ रहा था, उस टाइम पे वेंचर कैपिटल लोगों का काफी, वेंचर कैपिटलिस्ट का काफी बड़ा रोल रहा है आईटी सेक्टर को ऊपर ले जाने में। स्टिल 97 के बाद 98-99 में जब डॉट कॉम बूम आया, डॉट कॉम बस्ट सॉरी बूम ने, उस टाइम पे बहुत सारे वेंचर कैपिटल फंड्स खत्म हो गए थे और कुछ ही लोग रह गए थे जो बाकी बचे हुए थे। उसमें से कुछ लोगों ने अपनी प्रोसेस शिफ्ट कर दी, उन्होंने बोला कि यार इनिशियल लेवल पे, क्योंकि क्या हुआ ना 96 के आसपास 97 के आसपास में बहुत सारे आईटी कंपनीज जो अभी उभरी थी उनको पैसा मिला कि वो अपने को ग्रो करे, इनिशियल स्टेज पे पैसा मिला, लेकिन बाद में जब डॉट कॉम बस्ट हुआ तो लोगों का विश्वास टूट गया इस पे से और काफी नुकसान हुआ उन लोगों को। और तब जाके उन्होंने क्या किया कि इनिशियल स्टेज पे पैसा देना बंद कर दिया, लेटर स्टेज पे अपनी फंडिंग को शिफ्ट कर दिया कि भैया आप पहले खुद खड़े हो जाओ अपने पैरों पे, कंपनी चलाना सीख जाओ, जब आपको एक्सपांड करना होगा ना, जब बढ़ाना होगा तब हम पैसा देंगे, ताकि हमको भी सेटिस्फेक्शन आ जाए कि आपकी कंपनी चल रही है। कुछ ही डेयरिंग लोग थे, डेयरिंग फंड्स थे जो इनिशियल स्टेज पे तब भी पैसा देने को रेडी थे। दिस वॉज द एंटायर हिस्ट्री ऑफ वेंचर कैपिटल, मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया। नाउ वेंचर कैपिटल का मीनिंग आपने देख लिया, वेंचर कैपिटल की हिस्ट्री आपने देख ली, हम क्या चार और चीजें देखने वाले हैं वेंचर कैपिटल में, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। अभी तक तो मैंने बस एक बेसिक आइडिया आपको दिया। चार चीजें जो हम देखने वाले हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट आइटम जो हम देखेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस, मतलब क्या फायदा होता है जब आप वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग करवाते हो, एडवांटेजेस। थर्ड आइटम देखेंगे कि क्या क्या स्टेजेस होती है वेंचर कैपिटल फंड में,
मतलब पहले स्टेज कब पहले पैसा मिलता है, उसके बाद कब पैसा मिलता है, उसके बाद कब पैसा मिलता है, और आखिरी पैसा कब मिलता है, कैसे एग्जिट होता है, ये सब देखेंगे। इसके बाद में प्रोसेस क्या होती है, मतलब किसी को पैसा चाहिए होता है तो एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है। सो दीज आर द फोर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेंचर कैपिटल कॉन्सेप्ट। सो जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन कर लो अभी तक का इतना, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। बाय बाय।